हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल एडुनेट GRF। और आज हम करेंगे 30 सितंबर के जो क्वेश्चंस आए हुए थे सुबह के एग्जाम में उसकी असेसमेंट, यानी पेपर वन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और पेपर टू मैनेजमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उन सबसे मैंने पूछा है। वहाँ से जो डिटेल मिली है वही आपके साथ शेयर करूँगी मैं। देखो, पहले उन्होंने कहा कि GIS का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है जिसका फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और एक अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आया हुआ था हमारा कि अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग वाला। मैथमेटिकल रीजनिंग इन्होंने कहा कि ईजी वाली आई हुई थी, यानी कि नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। कंपाइलर वाला क्वेश्चन आया हुआ था एक, जहाँ पे हार्डवेयर और मतलब जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाला है, ये टॉपिक करवा चुकी हूँ मैं, जो जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है उनको पता है, ठीक है। टच स्क्रीन और ये सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले, जो कि ICT में आते हैं, ठीक है। सिंपल वाले क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं एक बात और कहूँ, फुल फॉर्म्स करके जाना, जो भी ICT में देखो फुल फॉर्म्स भी काफ़ी आती हैं, ठीक है। और उसके बाद RC ईजी था, उन्होंने कहा। ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, परसेंटेज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, लीस्ट वनरेबल का एक क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ वनरेबल होती है, वो ऑप्शन होती तो मैं आपको बताती कि क्या क्या था, ठीक है। एक टीचर की एबिलिटी और एटीट्यूड पे एक क्वेश्चन था कि ऑप्शन में परसेवेंस, लोकस कंट्रोल, सेल्फ एफिशिएंट, ये सब था, यानी जो एक एफिशिएंट टीचर है वही वाला क्वेश्चन आए हुए थे। देखो, वही ऑप्शन चेंज करके वो देखते हैं, आपको यही देखना है कि पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हैं और नेगेटिव को आपने एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है। तो टीचिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, जो इफेक्टिव टीचर के पॉइंट्स हैं वही पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो भी चीज़ नेगेटिव की तरफ जा रही है उसको आपने एलिमिनेट करके पॉजिटिव वाली अपना कोडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद ओजोन डे, वाटर डे, फॉरेस्ट डे पे मैचिंग आई हुई थी कि कौन कौन से मतलब मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसीज़ को उनके वायरस या बैक्टीरिया या जो फंगी प्रोटोजोया है उससे मैच करना था, ठीक है। डिसीज़ वाला भी सारा मैंने करवा रखा है, वाटर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न डिसीज़, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन जो था वो नेशनल मिशन के अंदर था, पीपल एंड इन्वायरमेंट के अंदर नेशनल मिशन वाला पूरा एक टॉपिक है, जो हमारे मिशन है, ठीक है। वो जो मिशन है वो पूरा वीडियो बना हुआ है, बट वो यही है कि अब पहले फ्री वालों के पास भी अवेलेबल था, बट अभी वो मेरे सभी जितने भी जिन्होंने कोर्स लिया है उनके पास है, ठीक है। और किसी स्टूडेंट्स को जिनको चाहिए हो वो मेरे से पर्सनली अगर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। SDG में का एक क्वेश्चन था, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें वही है कि जो गोल्स दिए हुए हैं भी इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन था। और उसके बाद था, हु इज़ द हेड ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन वाइस चांसलर, चांसलर, सीनेट, जो करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। पूरा वही वो कह रहे थे कि पूरा का पूरा पेपर वही था जो आपने करवाया हुआ था, सभी टॉपिक्स वहीं से आए हुए थे, इजी लगा उन्हें पेपर वन, ठीक है, क्योंकि मेरा उन्होंने कोर्स लिया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें MHRD के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी गवर्न होती हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन था, जिसमें UGC, AICT, ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि UGC इज स्टैचुटरी बॉडी, कम्स अंडर MHRD गवर्नमेंट ऑन इंडिया, एंड सेकेंड ऑप्शन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए थे, ठीक है, और ये पूछा हुआ था कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, UGC के अंडर आती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए थे और वो पूछा हुआ था कि ये UGC के गवर्न करती है या नहीं, और UGC जो है वो एक स्टैचुटरी बॉडी है, वो MHRD गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट थी, स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट थी उनके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट टू मैंने अभी पूरी नहीं है, स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है, एक क्वेश्चन था कि एक ट्रेन, यानी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रेन वाले को पूरा मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जिनके पास मैथमेटिकल रीजनिंग की मेरी वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनको पता है पूरा डिस्टेंस स्पीड में मैंने यहाँ पे ट्रेन वाला पूरा हर एक ऑप्शन बताई हुई है कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एज वाला क्वेश्चन, और एज वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, रेशो से करने हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि 10 साल के का डिफरेंस है, अगर प्रेजेंट में देखें 5 साल के बाद वो क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली रेशो के हिसाब से ही हम उस चीज़ को करेंगे,
और ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है। तो रेशो से करेंगे तो जल्दी होता है, एज वाले क्वेश्चंस पता रखें हैं सबको जिन्होंने मेरी क्लासेस ली थी मैथमेटिकल रीजनिंग की। उसके बाद है कॉग्निटिव लर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल, और ये हमेशा आता है। देखो क्वेश्चन लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग का, ठीक है। तो करके जाना इसको, मेमोरी लेवल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल है हमारे, ठीक है, डेवलपमेंट एनालिसिस से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि स्कूल ने में मतलब पाया गया है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही उदासीन रहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो कैसा टेस्ट लिया जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, हिस्टोरिकल या एस पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात थी, वहाँ पे उनके पेरेंट्स के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो यहाँ जो था ना ऑप्शन से तो एक्स पोस्ट फैक्टो लग रहा है, ठीक है, अगर क्लियरली उन्हें याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा अनेबल टू विलिंग है, ठीक है, अनेबल टू विलिंग है, रिपोर्ट में ये पाया गया है, तो टीचर को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग मोटिवेटिंग, वही बात है कि टीचिंग में आपके देखो सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं कि ये सिचुएशन है तो अगर आप टीचर हैं तो उस हिसाब से क्या करेंगे, या तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस से किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ से क्वेश्चन आया था, पता है आपको जो असेसमेंट और इवेल्युएशन वाला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ईजी जो है था DI बिल्कुल ईजी था, वही RC भी ईजी ही बता रहे थे, पेपर 1 ईजी आया था। एक क्वेश्चन था सिर्फ इंडियन लॉजिक का जो हत्व भाषा, यानी कि जो फैलेसी वाली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, मैं पब्लिश है ये मेरी वीडियो, तो आप चाहें तो देख सकते हैं @JRF पे जाके मेरे चैनल पे, ठीक है। पेपर 2 मैनेजमेंट के कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर 2, इनके हिसाब से इजी था। और डायरेक्टली मतलब पैसेज में से जो पैसेज आया हुआ था तो उसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे थे, यानी जो उन्होंने केस स्टडी दी थी वो भी, और मैथमेटिकल रीजनिंग भी उन्होंने इजी ही बताया। मेरी दोनों स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत टफ नहीं आया, SICI में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज एंड ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था, इन्होंने तो मेरा कोर्स ही लिया था तो वो कह रहे थे कि मैम पूरा आपके में से आ रहा था, और पेपर 1 जो था वो बहुत इजी था, नॉइस पोल्यूशन वाला क्वेश्चन था, DB वाला। एक और स्टूडेंट से बात हुई थी, वो कह रहे थे पेपर 1 जो था वो काफी इजी था, ठीक है, बहुत इजी पेपर आया हुआ था पेपर 1 का, क्योंकि वैसे ही उन्होंने कोर्स लिया था और सब कुछ करवाया हुआ था, तो ऑब्वियसली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। पेपर 2 उन्हें टफ लगा, और नॉइस पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आया था, DB वाला, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पूरा स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्केयर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन था, और रिसर्च में एक हाइपोथेसिस का असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन बताया था, कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हम चाहते हैं कि रिजेक्ट हो, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो, इस तरीके से असर्शन रीजनिंग बनी हुई थी, ठीक है। और DI और RC जो था वो ईजी था, वही सिंपल मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल थे, नंबर सीरीज कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग और ब्लड रिलेशन में वो डॉलर वाला क्वेश्चन आया था, डॉलर परसेंटेज वाला, जो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, जिन्होंने क्लासेस लिए हैं उनको पता है, ठीक है। देखो डॉलर और परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, जैसे आते हैं कि डॉलर का मतलब है कि ये इसका फादर है, या परसेंटेज का मतलब है इसका सिस्टर, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी वाला क्वेश्चन थे पेपर 2 में, HRM और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दो दो क्वेश्चन आए हुए थे केस स्टडी बना करके, वो भी ईजी बता रहे थे, ठीक है, कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो आया था उसी हिसाब से आया हुआ था, ठीक है, और कोई भी पैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आए हुए थे, फार्मूलाज ज़्यादा पूछे हुए थे, कोफिशियंट ऑफ रेंज का फार्मूला पूछा हुआ था, कोस्ट का EOQ क्वेश्चन था, ठीक है ना, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, और कोफिशियंट ऑफ रेंज का, और ज़्यादा क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के आए हुए थे, कंसेप्ट बेस्ड थे, तो जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको थोड़ा सा टफ लगा था, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे मार्केटिंग के अंदर, ओके। सो यही सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, पैटर्न वही है जो लास्ट टाइम था। देखो पेपर 2 पे आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर 2 का पैटर्न वही आ रहा है टफ़ वाला, ठीक है। पेपर 1 जो आया है काफ़ी इजी आया है,
सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ रहे हैं, बट स्टिल मैथमेटिकल रीजनिंग, DI, RC, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक लेवल तक ही आ रही हैं, ईजी टू मॉडरेट वाली, ठीक है। पेपर टू जो है उसमें कंसेप्ट बेसिस हैं, जिनके फंडा क्लियर हैं अपने पेपर टू के, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, पक्के हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, JRF आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड किसी को भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है पेपर वन से रिलेटेड या पेपर टू कॉमर्स से रिलेटेड, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। 9518492298 ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको कुछ पूछना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप व्हाट्सअप पे ही अपनी क्वेरी जो भी आप पूछना चाहें, चाहे पेपर वन से रिलेटेड है, चाहे पेपर टू कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट वालों का तो पेपर हो गया, ठीक है, तो कॉमर्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि हर स्टूडेंट की क्वेरी जो है या कोई प्रॉब्लम है उसे किसी भी टॉपिक के अंदर, तो मैं सोल्व करती हूँ, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, we will meet in the next video, till then stay blessed, keep study, okay, bye bye, best of luck for your exam.